आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर विवादों में आए किरण गोसावी पर शिकंजा, देर रात पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। किरण गोसावी पर पहले से दर्ज है धोखाधड़ी का केस, पुणे पुलिस कर रही है पूछताछ। आरोपों से घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा उनके खिलाफ आरोप झूठे। वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, इंसाफ की लगाई गुहार। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे आज फिर सुनवाई, एनसीबी रखेगी अपनी दलीलें। लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर ढेर, पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया बदमाश अली शेर। शूटर अली शेर पर था 1,00,000 रुपए का इनाम। झारखंड में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या के मामले में था वांटेड। पुलिस मुठभेड़ में एक और बदमाश कामरान जख्मी, पुलिस का दावा एक नेता की हत्या की फिराक में थे दोनों शूटर। देर रात लखनऊ के मड़ियाव इलाके में यूपी एसटीएफ ने दोनों अपराधियों को घेरा, दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। मुठभेड़ के बाद बदमाशों से एक कार्बाइन, दो पिस्टल, एक तमंचा बरामद, भारी तादाद में कारतूस भी मिले। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुबह के वक्त दर्दनाक हादसा, 3 महिला प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। पंजाब लौटने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी तीनों महिलाएं, फ्लाईओवर के नीचे ट्रक ने मारी टक्कर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, बिहार के दो मजदूरों की हत्या में शामिल था जावेद वानी। जूनागढ़ के बागेश्वरी मंदिर में दिखा अनोखा नजारा, प्रवेश द्वार के चक्कर काटते दिखे दो शेर। सीसीटीवी में कैद हुई मंदिर परिसर के पास शेरों की तस्वीर, आसपास की बस्तियों में दहशत। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.29 रुपए, डीजल का दाम 97 रुपए के पार। मुंबई में पेट्रोल का दाम हुआ 114.14 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 105 रुपए से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 120 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल, 1 लीटर डीजल का दाम 108.58 रुपए। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने मामले में योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई, सीएम ने दिया देशद्रोह चलाने का आदेश। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का स्तर, टूट गया 84 घाटों का संपर्क। फरुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, सड़कों पर बह रहा 2 फीट पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद खुल गया मुगल रोड, बर्फ की मोटी परत हटाए जाने से मिली राहत। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, कड़कड़ाती सर्दी के सितम में भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ धाम में भी जमकर हो रही बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़।